इनको रोज मैं बिस्किट खिलाता हूँ फिर भी मेरे को भूल जाते ये लोग। कल का एक्सपीरियंस मेरे ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक एक्सपीरियंस था। और फिर मैं सोचने लगा कि नहीं यार बाइक नहीं चलानी चाहिए। और कल जो मैं बच गया उसका ज़्यादातर श्रेय मैं फुटबॉल को देना चाहूँगा। अरे BMW एक्चुअली TVS है। मौत को छूके टक से वापस भी आ सकते हो कभी कभी। दुनिया में शांति बनी रहेगी और दुनिया में शांति बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ना कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि कैसे ब्लॉग की शुरुआत करूँ। ऐसा जो भी ब्लॉगर्स है वो ऐसा शुरुआत करते हैं ना, हेलो गाइस वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, तो मैं आज कहूँगा हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस सुनहरे शाम के व्लॉग में। शाम के बज रहे 5:16 आपको ना अपने सिग्नल पे ना आराम से दिख जाएगा कि लोग कितने पढ़े लिखे। देखो रिक्शा वालों को तो कुछ बोल ही नहीं सकते आप। हाँ कल रिक्शा वाले ने मेरी बजाई थी, वो मैं आपको दिखा था उस स्पॉट पर जाकर देखा तो क्या सीन हुआ था। ये आपको दिख रहा है क्या, ये क्रैक मेरा जो टॉप बॉक्स है ना ये पूरा यहाँ से टूट चुका है, नीचे से क्रैक आ चुका है बड़ा वाला। और ये जो सीन है ये मूवमेंट आप कह सकते हैं, पैसा नहीं। इनको रोज में बिस्किट खिलाता हूँ फिर भी मेरे को भूल जाते ये लोग। भाई ब्लॉग बना दो मैं। मूवमेंट है ना ये, तुम लोग को मैं कैमरा में आना है क्या? ये 2 मिनट यार ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। तो ये जो मोमेंट है ना ये मेरी लाइफ का सबसे हॉरिबल मोमेंट था, खतरनाक मोमेंट आप कह सकते हो। कल ऐसे आते आते एक रिक्शा वाले ने मुझे जस्ट पेल दिया था जस्ट। अभी आप खुद सिग्नल पे देखो, एक सिग्नल पे रूल है ये जो सामने वाइट लाइन है ना उसके पीछे आपको खड़ा रहना होता है और ज़ेब्रा क्रॉसिंग को छोड़ना है लोगों के लिए। तो कुछ कुछ महाशय उस ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे भी खड़े और कभी कभी कुछ लोग तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे खड़े हो जाते हैं। देखो यहाँ पर ना लेफ्ट में पनवेल बस स्टैंड है और ये एरिया बहुत ही बिजी रहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ज़्यादातर ऑटो वालों की। तो कल इसी पॉइंट पे मेरे राइट साइड में वहाँ से जो ऑटो आ रही है ना, ये जो स्प्लेंडर आ रही है LED लाइट वाली, तो यहाँ पर कल एक सीन हुआ। मैं यहाँ से आ रहा था और मुझे एक ऑटो वाले ने बहुत गंदा सरप्राइज़ दिया, बहुत गंदा। मतलब अगर मैं ठीक से डिसीजन नहीं लेता ना तो मेरे जान पे आने वाला था। मैं आ रहा था लेफ़्ट साइड से और मुझे रास्ता काटना था, मतलब मुझे बस स्टैंड के यहाँ पर सीधा निकलना था। तो मेरे लेफ़्ट साइड से एक टेम्पो आ रहा था, मैंने उसे सिग्नल दिया, हॉर्न बजाया, उसने स्लो किया और मैंने मेरी 110 ने मेरी प्लैटिना उसे आगे डाल दिया। तो जस्ट उस टेम्पो के पीछे से एक ऑटो वाला आता है, बहुत ही स्पीड थी उसकी, मतलब उस जगह पर उतनी स्पीड ज़रूरी नहीं है, ओवर स्पीड थी। और मैं उसे देखता हूँ, मेरी हालत ख़राब हो जाती है, कुछ सेकंड्स का गेम है ये। मेरी दिल के धड़कन ने उसकी लास्ट स्टेज पकड़ लेती है और मेरा दिमाग सुन पड़ जाता है। पर हाँ मैं एक सबसे बढ़िया डिसीजन लेता हूँ, मैं मेरी बाइक जिस भी गियर पर थी मैं पूरा एक्सेलरेशन देता हूँ और बाइक को आगे निकाल लेता हूँ फटाक से। अगर वहाँ पर मैं ब्रेक दबाता तो फिर मेरा काम तमाम होने वाला था। उसने ब्रेक अप्लाई नहीं किया, उस ऑटो वाले ने, उसने मुझे हिट किया, मतलब मैं आगे निकल गया, फिर भी मेरे टॉप बॉक्स को उसने हिट किया और वो आगे निकल गया। मेरी तो फटके 4 हो गई, मेरी 110 ने थोड़ी सी घूम गई और मैंने आगे जाके ब्रेक अप्लाई किया। मैं चिल्लाया उसके ऊपर, भाई रुक तू। उसने मुझे देखा, बस मैंने उसे देखा, मैंने उसके ऑटो को नहीं ठीक से देखा क्योंकि जब वो मेरे क्लोज आया था ना इस साइड से तब मैंने उसकी शक्ल देखी थी। हाँ मैंने वो काम किया था। फिर उसको मैंने देखा और उसको कहा भाई रुक और चिल्लाया उसको, उसने जस्ट मेरे को देखा और उसने ऑटो भागा। फिर मैंने अपनी 110 को मोड़ा और उसके पीछे भाग गया क्योंकि यार बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था। वैसे तो मैं रोड पर बहुत ही शांत रहता हूँ जब मैं बाइक चलाता हूँ या ट्रैवल करता हूँ, पर उसने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर दिया। मैं छोटी छोटी बातें नज़रअंदाज करता हूँ,
क्योंकि अगर इन छोटी छोटी बातों पे आप किसी के मुंह लगोगे ना तो आपका ही दिन ख़राब होना है, क्योंकि बातों से बातें बढ़ेंगी फिर हाथापाई होगी और ये मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मैं हमेशा छोटी छोटी बातें जब मैं रोड्स पर रहता हूँ तब मैं अवॉइड करता हूँ, पर अगर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना तो फिर मैं छोड़ता नहीं। तो मैं कल उसके पीछे भागा, पर वहाँ पर ऑलरेडी इतने ऑटो थे कि मुझे उसे ढूंढने में मुश्किल हो गया, और शायद वो रास्ता पकड़ के भाग भी गया रहेगा। अगर वो मुझे मिल जाता ना, सच में कल मैं उसे उधर ही बजाने वाला था। सच में मेरा दिमाग हट गया था। मैं 5 साल से बाइक चला रहा हूँ कंटिन्यूसली, और बहुत जगह घूम भी चुका हूँ, पर वो कल का एक्सपीरियंस मेरे ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक एक्सपीरियंस था। अगर वहाँ पर कोई और रहता ना, लाइक कोई लेडी रहती या फिर बुज़ुर्ग रहता, तो वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा डर जाता और वो वहाँ पर ब्रेक अप्लाई करता, फिर तो उसका भी काम तमाम हो जाता। मैं ना अगर ब्रेक अप्लाई करता ना वहाँ पर, तो मैं एकदम टी पोजीशन में आ जाता। टी पोजीशन मतलब आप समझ रहे हो ना, लाइक जो टी का ऊपर का हिस्सा है ना, ऊपर की डंडी वो मैं, और टी के नीचे की डंडी वो ऑटो वाला। अगर ये पोजीशन में आ जाता ना मैं, तो फिर भाई भाई आज मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखता। पर मेरे दिमाग ने बहुत जल्दी काम किया और मुझे कहा कि बेटे ब्रेक नहीं लगाना है, बाइक को भगा आगे। मुझे ना ऑटो वाले से सच में बहुत डर लगता है रास्तों पर, वो बहुत गंदा सरप्राइज़ दे देते हैं। मेरे साथ बहुत सीन हुआ है, आपके साथ भी हुआ रहेगा। ऐसा रफ सब मोड़ देंगे ना, ऐसा एकदम तीखा काटेंगे रास्ते पर, एकदम तीखा। मतलब ऐसे चल रहे हो आप और रब करके उसने घुमा दिया लेफ्ट राइट में, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर अगर आप उसे कुछ बोलेंगे ना तो आपको ही देखेंगे ऐसा आंखें बड़ी करके। पर कल जब मेरे साथ ये सीन हुआ ना, तब कुछ देर के लिए मुझे लग रहा था कि नहीं, अभी बाइक चलाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ हो जाता है ना तो मेरे सामने पहले मेरी फैमिली आती है, क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में मेरी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर मैं सोचने लगा कि नहीं यार, बाइक नहीं चलानी चाहिए, अगर उसने मुझे उड़ाया रहता तो फिर आज मेरे घर पे सिचुएशन कुछ अलग होती। और बाद में मैंने खुद को समझाया, चलो झोली में कुछ पुण्य इकट्ठा किया है मैंने, तो उसकी बदौलत मैं बच गया, और मेरा जो दिमाग है उसकी वजह से मैं बच गया। रिफ्लेक्स अच्छे हैं मेरे, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपन में फ़ुटबॉल खेलता था, मतलब अभी भी खेलता हूँ, बचपन में बहुत ज़्यादा खेलता था मैं। फुटबॉल में क्या होता है, हमें ना भागते भागते हुए डिसीजन लेने, मतलब आपके बाजू में 3-4 बंदे भाग रहे हैं, उनसे आपको बॉल को बचाना है और उनको आपसे बॉल छीनना है, तो चालू है अपना, मतलब टैकल चालू है, ऐसा एक दूसरे को धक्का बुक्की चालू है, और उसमें उस सब सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना है। ऊपर देख के पूरे ग्राउंड को देखना है, वेरीफाई करना है कि कौन किधर है और किसको पास देना है, मतलब कहाँ चांसेस बन सकते हैं किसको पास देने के बाद, तो इतना सब सोचना पड़ता है उस मूवमेंट पे। मतलब वो एकदम पैनिक सिचुएशन कह सकते हो आप भाग रहे हो, 2-3 बंदे आपको धक्का बिक्का दे रहे हैं, और उसमें आप देख रहे हो कहाँ पर देना है, और उसमें आप अपने पैरों में बॉल कंट्रोल कर रहे हो, हाथों में नहीं पैरों में कंट्रोल कर रहे हो, तो क्या हो जाता है, आपके रिफ्लेक्स है ना बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं। रिफ्लेक्स मतलब आपकी दिमाग की डिसीजन लेने की क्षमता कह सकते हो आप। मतलब ऐसा कुछ पैनिक सिचुएशन हो जाता है, कल जो मेरे साथ हुआ और मैंने डिसीजन लिया कि मुझे बाइक रोकनी नहीं, मुझे बाइक यहाँ से भगा कर आगे निकालनी है, तो वैसे ही आप एकदम राइट डिसीजन ले लेते हो। तो मैंने वही राइट डिसीजन लिया कल, क्योंकि मेरे दिमाग के, मतलब दिमाग के नहीं, मेरे पूरे बॉडी के जो भी रिफ्लेक्स है वो अच्छे है। अगर मेरी जगह कोई और रहता तो शायद वो डिसीजन नहीं ले पाता और डर के मारे ब्रेक अप्लाई कर देता, तो फिर वहाँ पर उसका काम तमाम होना था। काम तमाम मतलब हो भी सकता है, मैंने हेलमेट भी डाला था, कोई लोग तो हेलमेट भी नहीं डालते ऐसे ही चलाते, तो अगर सर भी पटक गया तो फिर काम तमाम होने की चांसेस है। और कल जो मैं बच गया उसका ज़्यादातर श्रेय मैं फुटबॉल को देना चाहूँगा, क्योंकि फुटबॉल की वजह से मेरे जो रिफ्लेक्स है वो स्ट्रांग हो चुके हैं। क्या खूबसूरत रोड है ना ये, मुझे ये रोड बहुत पसंद है। अभी ये रोड आगे जाके कनेक्ट होता है कलमबोली सर्कल को, और यहाँ से रोड कनेक्ट होता है पीछे JNPT हाईवे को, पर बहुत ही नीट एंड क्लीन खूबसूरत रोड है। अगर आपको बाइक भगानी है तो यहाँ पर आ जाओ, सिटी में मत भगाओ यार। और रिक्शा वाले, तू भी अगर मेरा व्लॉग देख रहा है तो तू भी यहाँ पर आके भगा सकता है, जितने भी टॉप स्पीड तेरे को अचीव करनी रिक्शा की यहाँ पर आके कर, मस्त है ना। यहाँ पर आप फोटोशूट भी कर सकते हो, मैं बीच में सोच रहा था यहाँ पर आके कुछ बाइक के रील्स वील्स बनाऊँ। अभी हाईवे पे आया हूँ मैं, तो ज़रा खींच के देखती है बाइक को। ब्लू यू आर रेडी, लेट्स गो, अभी उड़ना है हमको, फ्लाई करना है, फ्लाई। यूहू, हवा भी कम है तो बाइक ज़्यादा वाइबल नहीं होगी, हवा रहती है तो ये भी बाइक वाइबल हो जाती है हाईवे पर अगर मैं ज़्यादा भगाऊँगा तो। लेट्स गो बॉयस, 3, 2, 1 गो।
बहुत ज़्यादा ट्रक्स है, स्लो करनी पड़े। वैसे मैंने 100 टच कर लिया था ना आराम से। हाँ, अगर सिंगल रहता ना तो ये बाइक आराम से 100 टच कर लेती है। यहाँ पर ना ऑब्स्टेकल अभी बहुत थे। पहले रोड पूरा खुला था, ये जो बाजू वाली लेन है लेफ्ट साइड की, ये बंद है बिकॉज वहाँ पर ना आगे मिट्टी गिर चुकी है, नीचे धस चुका है रास्ता। अच्छी तरीके से लगता है इन्होंने पत्थर नहीं डाले वहाँ पर, तो यहाँ से मुड़ना पड़ता है अंदर। ये देखो इसको देखो। अरे यार ऐसा मत करो भाई साहब, कितना रिस्की है हाईवे पर। मैं तो गलती से भी नहीं करूँगा, मैं 10 किलोमीटर घूम के जाऊँगा अगर मुझे कहीं क्रॉस करना है तो। लोग इसके बीच में से भी निकल गया, मैंने बहुत बार देखा है। तुम लोग को जान की कदर नहीं है, अरे कीमत नहीं है तुम लोग को जान की। ओहो, नवी मुंबई एयरपोर्ट। चलो ये काम शुरू है, लगता है ना 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उसी स्पीड से काम शुरू है। लेट्स गो। मज़ा आता है यार। अभी मुझे आप कहना मत कि भाई तू अभी कह रहा था कि भाई रोड्स आर डेंजर। हाँ, रोड्स आर डेंजर, बट अगर आप सही रास्तों पर ऐसा कुछ करोगे ना तो थोड़े सा रिस्क कम है। अभी मैं देखो सर्विस रोड पे हूँ, मैं आराम से जा रहा हूँ, इतनी भी खाई नहीं है। बट वो था बड़ा सा हाईवे, अभी ये ऊपर JNPT हाईवे, जो मेरे सिटी का सबसे फेवरेट हाईवे है। यहाँ पर मुझे बाइक भगाने के लिए मज़ा आता है, और ये सेफ भी है वैसे बाइक भगाने के लिए। पर इसमें कुछ पैच है रिस्की, जहाँ पर कुछ लोग रास्ता क्रॉस करते हैं बीच में से, जानवर जैसा। यार जानवरों को समझ सकते हैं हम लोग, उनको नहीं पता ये हाईवे ऐसा रास्ता नहीं क्रॉस करना चाहिए। पर तुम लोग को दिमाग दिया, स्कूल में पढ़े लिखे हो, टीवी देखते हो, फिर भी ऐसा करोगे, ऐसा कैसे चलेगा। ये देखो ये मस्त है यार, ये वाले स्पीड ब्रेकर ना मुझे कभी कभी पसंद आते हैं। फिर स्पीड ब्रेकर के ऊपर मज़ा आता है मुझे, ऐसा दिल जंपिंग झपा के झंपक झंपक वाला फील आता है मुझे। मज़ा आ गया। क्या रोड है ये, मज़ा आ जाएगा। जब मेरे पास ऐसी बड़ी CC वाली बाइक आएगी ना तो एक नंबर यार, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर ना बहुत लोग आते हैं बाइक भगाने के लिए, मैंने बहुत लोगों को देखा है। ऐसे ना रैंडम स्टोरीज आ जाती है इंस्टाग्राम पे, तो मैं पहचान लेता हूँ कि यही रोड है। बहुत लोगों को देखा है मैंने, और मज़ा आ गया यार, सारा दिमाग खाली हो जाता है एकदम। जो भी बाइकर्स है ना उन्हें पता रहेगा कि ऐसे हाईवेज पर बाइक भगाने से क्या मज़ा मिलता है। और ये सेफ भी है ऐसे देखोगे तो आप। बस मैंने आज मेरे राइडिंग गियर प्रॉपर नहीं पहने, हेलमेट तो डाला है मैंने और वो मैं हमेशा डालता हूँ। ये जैकेट तो राइडिंग जैकेट नहीं, फिर भी पहना है मैंने। बस मेरे पास ग्लोव्स नहीं मेरे आज। कहो न कहो ये आँखें बोलती है, ओ सनम ओ सनम ओ मेरे सनम। ए तमिल हबीबी मस्के उले हिला हो हसके। अरे BMW एक्चुअली TVS है। हाँ, उसको ना BMW करके कोई पहचानता ही नहीं। BMW ने पूरा का मॉडल खरीद लिया TVS से। कितना टच हुए मैं देखा नहीं, आप कमेंट में बता देना। पर मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि ये साला मिरर है ना लूज़ हो चुका है, ये पूरा अंदर आ गया था। मैंने इसे देखा तो मुझे पता ही नहीं चला। आपको एक मैं बात बताना चाहूँगा, जब भी मैं इसे बड़े बड़े हाईवेज पर राइड करता हूँ ना, तब मेरे दिल में एक ही डर रहता है इन बड़े बड़े कंटेनर्स का। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इस डर को ओवरकम करने की, पर जब भी मैं इनके करीब से गुजरता हूँ ना तब मुझे क्या पता क्या हो जाता है मुझे ऐसे, यही बाबा 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 क्या हो जाएगा बाबा बाबा, ऐसा वाला सीन है। अरे अरे, बारिश ख़त्म होने के बाद आपको इसी समस्या से जूझना पड़ेगा रोड्स के ऊपर। और यार अपने ये इंडिया के रोड्स हर जगह पर आपको चकाचक नहीं मिलेंगे, कहीं ना कहीं ये धूल मिट्टी का सीन है। शूट, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर ये जो सर्कल है ना ये बहुत ही बिजी सर्कल है। ये जो स्पीड ब्रेकर है ना इनके वजह से क्या हो जाता है, जो बड़ी बड़े ट्रक्स है ना वो ब्रेक अप्लाई करते हैं एक ही जगह पर बहुत सारे ट्रक, और बहुत बार तो रास्ता ख़राब हो जाता है। यहाँ से ऊपर से ट्रेन जाती है ना तो बहुत झटका लगता है।
तो ऐसा खड़खड़ आवाज़ आ जाता है ना अचानक से, मुझे तो झटका लगता है। और ऐसा सेम सीन मेरे साथ ना हाईवे पर होता है, जब कंटेनर्स रहते हैं ना तब कंटेनर अगर किसी गड्ढे में जाता है तो कितना खतरनाक आवाज़ आता है, ऐसा लगता है किसी ने उड़ाया किसी को। यहाँ पर अंदर मावशी ची कैंटीन है, फेमस है बहुत, कभी गया नहीं है मैं, पर बहुत चर्चे हैं इसके यूट्यूब पे, मावशी ची कैंटीन, और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आकर गए हैं, पॉलिटिशियंस भी कह सकते हो आप। अभी आ गए हैं हम एक खूबसूरत ब्रिज पर, यहाँ पर ट्रैफिक रहती है इसे आप नज़रअंदाज कर दो, पर यहाँ से जो नज़ारे हैं दिखते हैं ना शाम के वक्त, अभी तो सूरज अंदर चला गया पर फिर भी आप देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन। और ये देखो वाह क्या चमत्कारिक लोग हैं, ये लोगों के चलने के लिए बनाया है, और लोग यहाँ से अपनी बाइक डालेंगे क्योंकि हमें जल्दी निकलना है। पहले यहाँ पर किसने पत्थर डाल के रखे थे बड़े बड़े, पर वो निकाल दिए। कितनी भी कठिनाइयाँ हो ज़िंदगी में लोग अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं, वैसे लोगों ने ये रास्ता निकाला है कठिनाइयों से, कठिनाइयाँ मतलब ये ट्रैफिक, और इससे निकलने के लिए इन्होंने ये नया रास्ता खोजा है। वाह वाह, मैंने आज कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया आपको ऐसा लग रहा है, पर हाँ जब इंसान के दिमाग में कुछ चलता रहता है तो इंसान उसी बारे में बात करता रहता है। ये जो आगे मेरे राइट साइड में बड़े से पेड़ दिख रहे हैं आप, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ना चमगादड़ रहते हैं, अभी उनका शायद टाइम नहीं हुआ है, अभी तक तो आ जाना चाहिए था उनको। यहाँ पर ऊपर मंडराते रहते बहुत बड़े बड़े चमगादड़, वहाँ पर नीचे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, वो हमारा श्रद्धा स्थान है, जब हम राइड पर निकलते हैं ना तो हमारे रास्ते में पड़ते हैं ना, तो हम उनका दर्शन लेके निकलते हैं हमेशा कि शक्ति दे, हम जा रहे राइड पर हमें शक्ति दे और बुरी बलाओं से दूर रखना। चलो 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 चलो, हटर उडिंग में बॉय, वहाँ से नई जगह मिलेगी। फोल्ड के ऊपर फेरारी लिख के रखा है इसने, भाई फोल्डर फेरारी का तो 36 का आंकड़ा है। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, आराम से आराम से आराम से हॉर्न बजाने से गाड़ी आगे नहीं खिसकेगी। ये आ जाओ कैब वाले, आ जाओ आ जाओ, और क्लोज आ जाओ, अब ये लोग छूटेंगे, देखेंगे नहीं कि सामने से बंदा आ रहा है। वो भाई साहब क्या कर क्या रहा है स्कूटी वाला, गांजा मार के आए क्या भाई, इतनी गाड़ी रहेगी, ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए सिग्नल है, वो कभी भी जा सकता है उस साइड में। देखो मैं ना आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप भी मेरे जैसे रास्ते पर व्हीकल चलाते हो, कौन से भी व्हीकल, बाइक हो, कार हो, रिक्शा हो, टेम्पो ट्रक कुछ भी हो, बुलडोज़र भी हो, पर यार हमेशा अपना ख्याल रखना क्योंकि सामने वाला कुछ भरोसा नहीं है। आप भले ही पूरे सेफ्टी गियर चला के चलाओगे पर नहीं, सामने वाला कुछ भी भरोसा नहीं, इसलिए एक ही बात कहूँगा कि अपने झोली में जितना पुण्य जमा कर सकते हो उतना पुण्य जमा करो, मौत को छू के टक से वापस भी आ सकते हो कभी कभी, जैसे कल मेरा सीन हुआ। तो बस यार आज के लिए इतना ही, जो मेरे दिल में कहानी थी, जो मेरे दिमाग में थोड़ी बहुत अशांति थी, वो मेरे इस ब्लॉग थ्रू मैंने आपको बताई, और आपको कैसा लगा ये भी आप बताओ, और मिलो फिर यहीं पर मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर माय फ्रेंड्स, चलते फिर, मैं आ गया मेरे एरिया में, ये अपन का एरिया है, और कुत्ता भी अपने एरिया में शेर होता है, इस बात को याद रखना। फिर भी कभी कभी मुझे भीगी बिल्ली होकर यहाँ से गुजरना पड़ता है, वही मैंने कहा आप लोगों का कुछ भरोसा नहीं है, पर यहाँ पर कुछ सीन हो जाता है ना तो सपोर्ट में 10 लोग खड़े हैं अपने साथ। अब नहीं सीन करना ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत ही शांत बंदा हूँ, मैं छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देता हूँ, वैसे भी आप छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दो, उससे क्या होगा, दुनिया में शांति बनी रहेगी, और दुनिया में शांति बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं यहीं पर मेरे यूट्यूब चैनल पर।